Praise the Lord and greetings to all of you, brothers and sisters. और आप सबको जय मसीह की और मेरे भाइयों और बहनों में आप सबको अभिवादन देता हूँ. This is Life Spring Assembly Lucknow, the Bible Study Day, Wednesday. और ये Life Spring Assembly कलीसिया की ओर से आज बाइबल अध्ययन का दिन है, जो कि बुधवार का दिन. And we praise the Lord for the opportunity to study God's word. हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद कहते हैं क्योंकि उसने ये मौका हमें दिया कि हम उसके बाइबल अध्ययन को करने पाएं. And for your benefit. और आपके लाभ के लिए. We are learning from the 10th chapter of 1 Corinthians. हम पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय से सीख रहे हैं. That's our present lesson. अभी वर्तमान में यही अध्याय से हम अपनी शिक्षाओं में आगे बढ़ रहे हैं. And we have already considered the first 5 verses. और हमने पहले ही पिछले बुधवार को इस अध्याय के पहले 5 वचनों पर अपने अध्ययन को रखा. And where Apostle Paul gives us certain warnings, and these warnings were given from the background of Israelites who were crossing the Red Sea. जहाँ पर पॉल प्रेरित कई सारे उदाहरणों को देता है हमें चेतावनी देने के लिए, जिसमें एक उदाहरण है इसराइलियों का जब वो लाल समुद्र को पार कर कर निकल गए. And we closed last study by making a mention of the miraculous supply of water for the people of Israel in the wilderness. और हमारे पिछले अध्ययन को हमने समाप्त किया था ये अध्ययन करते हुए कैसे परमेश्वर ने बड़े चमत्कारी ढंग से इजरायलियों के लिए पानी को मुहैया कराया. And Apostle Paul makes it very clear that प्रेरित इस बात को बड़ा स्पष्ट कर देता है. And they received the water from the rock which followed them. एक ऐसे पत्थर से उन्होंने पानी को पाया जो उनके पीछे पीछे चल रहा था. And his lesson was that rock was Jesus Christ our Lord. और ये शिक्षा ये थी कि वो पत्थर हमारा प्रभु यीशु मसीह है. And by that rock they were guided and provided. और उस पत्थर के द्वारा उनका मार्गदर्शन किया गया, उनकी जरूरतों को पूरा किया गया. And protected through Israel's wilderness journey. और इसराइल की उस जंगल की यात्रा में उनकी रक्षा करी गई. And they were journeying to their promised land. और वो यात्रा कर रहे थे अपने वाचा के देश की ओर. And so let us continue. आइए हम इस अध्ययन में आगे बढ़ें. Today we will look to begin with verse 6 of chapter 10. और आज के लिए हम पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसके 6वें वचन से पढ़ेंगे. It says here, now these things became our examples to the intent that we should not lust after evil things as they also lusted. ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें. What happened to them, to most of them, is really tragic. और उनमें से ज्यादातर के संग जो हुआ वो बहुत भयानक था. There were about 600,000 men alone who came out of slavery of Egypt. और यहाँ वहाँ पर लगभग 600,000 सिर्फ पुरुष मौजूद थे जो मिस्र की गुलामी से आजाद हुए थे. It means इसका मतलब है there were about 2 million plus people, human being, who actually came out, including women and children. और इसका मतलब ये है कि मिस्र की बंधुए से लगभग 2,000,000 लोगों से भी ज्यादा बाहर निकले थे, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी. And just imagine this. और इस विषय में सोचिए. These many people stepped out to follow God, to the promised God. इतने सारे लोग निकल आए कि वो उस वादा करने वाले परमेश्वर की ओर जाएं. And the important question is, जो महत्वपूर्ण सवाल है, how many remained faithful through the wilderness journey? कि कितने विश्वास योग्य बने रहे उस जंगल की यात्रा में. How many actually turned away from the fleshly desires? कितने अपने शारीरिक इच्छाओं को त्याग कर उनसे आगे बढ़े.
fleshly desires aroused by the delicacies of Egyptian foods. और ऐसे शारीरिक लालसाएं या लालच या भोग जो मिस्र के खाने से शरीर को प्रसन्न करते थे. How many succeeded in disciplining their bodies? और कितने सफल हुए कि वो अपनी देह को अनुशासित करें? Subjected to their desires and kept their hearts and eyes upon the promised land. और अपने आप को परमेश्वर का दास जानते हुए अपने उस वादे की देश की ओर नजरों को लगाए रखे. How many were faithful? और कितने विश्वास योग्य थे? How many were steadfast? और कितने दृढ़ बने रहे? And how many unmovable and always abounding in the work of the Lord? और कितने ना हिलने वाले और हमेशा परमेश्वर के कार्यों में बने रहने वाले थे? Over 2 million began their journey. और लगभग 20 लाख लोगों ने अपनी यात्रा को वहां से शुरू किया. How many entered the promised land? और कितनों ने वाचा के देश में प्रवेश किया? Out of the 2 million who started, और इन 20 लाख में से जिन्होंने शुरुआत करी, only Caleb and Joshua entered into the promised land. उन 20 लाख में से सिर्फ केलेब और यहोशू ही परमेश्वर के उस वाचा के देश को प्रवेश करने पाए. That is the tragedy of the Israelites' journey through the wilderness. और ये है वो दुर्भाग्य इज़राइलियों की उस यात्रा 40 साल की यात्रा जो उन्होंने मरुस्थल में करी. You know how many million perished in the wilderness? आपको पता है कितने लाखों उस जंगल की यात्रा में मर गए? Over 2 to 3 million perished in the wilderness. लगभग 20 या 30 लाख लोग उस जंगल की यात्रा में उन 40 सालों में उनकी मृत्यु हो गई. They were overthrown because they were rejected by God. क्योंकि और वो तो अपने आप को सिंहासन पर बिठाए हुए थे क्योंकि परमेश्वर ने उनका तिरस्कार कर दिया. Their bodies were scattered throughout the wilderness. और उनकी देह या उनके शरीर उस पूरे जंगल में या मरुस्थल में इधर उधर पड़े हुए थे. The reason? उसका कारण क्या है? Because they craved after evil things. क्योंकि उन्होंने बुरी बातों के पीछे लालसा रखी. That is why. और इसी कारण. In Zechariah chapter 1. और ज़कर्याह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय. Verses 2 and 3. और पहला और दो तीसरा वचन. Zechariah chapter 2. और ज़कर्याह नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय. ज़करिया नबी का पुस्तक उसका पहला अध्याय verses 2 and 3. और दूसरा और तीसरा वचन. यहोवा तुम लोगों के पुरखों से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है. The Lord has been very angry with your fathers. Therefore, say to them, thus says the Lord of hosts, return to me, says the Lord of hosts, and I will return to you, says the Lord of hosts. That is the message. और ये है वो संदेश. And then again verse 15. और उसके बाद फिर से 15वां वचन. Zechariah chapter 1 verse 15. और ज़करिया नबी की पुस्तक पहला अध्याय 15वां वचन. I am exceedingly angry with the nations at ease, for I was a little angry and they helped but with evil intent. जो जातियां सुख से रहती हैं उनसे मैं क्रोधित हूं, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया था परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया. Now, what was Israel's great sin? और इज़राइल के लोगों का सबसे बड़ा पाप क्या था? Instead of recognizing Christ's presence and blessings, और इसके बजाय कि वो प्रभु यीशु मसीह की आशीषों को पहचाने और जाने, Israelites murmured and disobeyed. उसकी बजाय इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाया
और उसके विरुद्ध खड़े हुए. Not only there has been constant grumbling and murmuring and complaining. ना केवल उन्होंने निरंतर शिकायत करी, कुड़कुड़ाया अपने मनों में परमेश्वर के विरुद्ध की बातें की. These sinful habits, besides these, they also disobeyed. और इन सारी पापों की आदतों के बाद उन्होंने अनज्ञाकारी भी बने. This caused God to displease, to be displeased, and Israel was judged in the wilderness itself. और इन बातों ने दूसरे लोगों को, परमेश्वर को अप्रसन्न किया, दुख पहुंचाया, और वो उस जंगल की उनकी यात्रा पे उन पर क्रोधित हुआ. Why God rejected their entrance into the promised land? क्यों परमेश्वर ने उनके वाचा के देश में आने का अनुमति नहीं दिया? Because by their attitude and by their habits of complaining and murmuring and complaining, they also a greater sin of disobedience made them unworthy to inherit the promised क्योंकि land. क्योंकि उनकी कुड़कुड़ाने की, शिकायत करने की आदतों ने परमेश्वर के विरुद्ध, उन लोगों ने, इजरायलियों ने पाप किया और परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हुए. And all of them perished in the wilderness except Joshua and Caleb. और उनमें से हर एक उस जंगल की यात्रा 40 सालों में उनका नाश हो गया सिवाय यहोशू और खेलब के. These two were the only ones who reached the promised land. और ये दोनों ही सिर्फ एकमात्र थे जो वाचा के उस देश में पहुंचे. You see, wrong attitude resulted in disobedience. और बुरा व्यवहार या बुरा स्वभाव अनज्ञाकारिता की ओर उन्हें ले गया. We should be aware of this. और हमें भी इस बात के प्रति जागरूक होना है. And keep checking our attitude. और अपने आप के स्वभाव को निरंतर जांचते और परखते रहना है. For disobedience resulted in being rejected by God. क्योंकि अनज्ञाकारिता ने इस बात को दिखाया कि कैसे वो परमेश्वर ने उनको ठुकरा दिया. One sin after the other. और एक पाप दूसरे के बाद leads rejection. उसने परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर ने उन्हें ठुकरा दिया. When it is said that God has rejected someone, और जब अगर किसी के विषय में ये कहा जाए कि परमेश्वर ने उसका तिरस्कार कर दिया या ठुकरा दिया है, my friends, it is actually a very serious and tragic result of a bad attitude which led them to committing sin. तो मेरे मित्रों, ये एक बहुत ही भयानक और बड़ी गवाह, ऐसी गलत गवाही होगी जो उन्हें पापों की ओर और ले जाएगी. एंड कंसर्निंग सैमसन, और सैमसन के विषय में इट इज सेड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड लेफ्ट हिम एंड ही डिड नॉट नो इट. उसे ये कहा गया कि परमेश्वर का आत्मा ने उसको छोड़ दिया और उसे इस बात का पता नहीं चला. एंड सॉल द फर्स्ट किंग ऑफ इसराइल, और सॉल जो इसराइल देश का पहला राजा था, एट द एंड what happened was the spirit of God left him. अंत में यह हुआ कि परमेश्वर की आत्मा ने उसे छोड़ दिया. And he was not very well aware of it. और वो भी बड़ी अच्छी रीति से या भली बात इस बात को लेकर भली भांति नहीं जानता था. See, these Israelites were to serve God. और ये इजरायलियों को तो परमेश्वर का सेवा करना था. And these people were to serve as examples and warnings to the Corinthians. और इन लोगों को पौलुस इनका उदाहरण का प्रयोग करता है ताकि ये कुरिन्थ के विश्वासियों के लिए एक उदाहरण ठहरे. And to us as well. और हमारे लिए भी. And so they really became an example and a warnings to us. और इसीलिए वो सही सच रीति में एक उदाहरण और हम सब के लिए एक चेतावनी बन गए. So now how about us? और इसलिए हमारे विषय में क्या कहा जाए? What is our descendants, our coming generations are going to think about us? और हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे विषय में क्या कहेगी? Our children, हमारे बच्चे, our grandchildren, हमारे पोते, and then our great grandchildren, और हमारे पर पोते, and some of them will definitely hear about the great great grandfather, और उनमें से कुछ तो जरूर अपने परदादा के विषय में सुनेंगे, and grandmothers, और उन परदादियों के विषय में, and all of us who were past,
और हम में से हर एक जो भूतकाल में थे. And when they hear about us, और जब वो हमारे विषय में सुनते हैं, what will they hear? वो क्या सुनेंगे? And my friends, if we want to fulfill that God's desire and intent for our lives. और मेरे मित्रों, अगर हमें परमेश्वर की इच्छा और ये उसकी योजना को अपने जीवन में पूरा करना है, avoid disobedience. तब आज्ञाकारिता को आप ना करें. This is the warning. यही चेतावनी है. Avoid disobedience to God. परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी ना बने. God has set a standard by which we must live. परमेश्वर ने एक माप को, एक मापदंड को बना रखा है जिसके अनुसार हमें जीना है. In our relationship with each other. हमारे रिश्तों में एक दूसरों के प्रति. Our attitude towards others. और दूसरों के प्रति हमारा क्या स्वभाव है. And our friends. और हमारे मित्र. Our neighbors. हमारे पड़ोसी. And our fellow workers and fellow believers. और हमारे साथ में कार्य करने वाले और हमारे साथ के विश्वासी. What should be our attitude? हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए? It should be one of example. एक उदाहरण का होना चाहिए. Obedience to God always leads us to prosperity and blessings of the Lord upon us. परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता हमें हमेशा आशीषों की ओर लेके जाता है. And behind these disobedience, और इन अनाज्ञाकारिताओं के पीछे were disobedient attitude. ये उनके अनाज्ञाकारी स्वभाव मौजूद थे. So watch out your attitude. और इसलिए अपने स्वभाव के प्रति आप खास रीति से ध्यान रखें. As Christian believers, मसीही विश्वासी होते हुए, followers of Jesus Christ, प्रभु यीशु के अनुयायी होते हुए, it's very important that we keep a clean, godly and scriptural attitude. तब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक पवित्र और परमेश्वर के प्रति एक समर्पण के स्वभाव को लेकर के चलें. दिस इज द वार्निंग टू द चर्च एंड इट्स बिलीवर्स. और यही चेतावनी है कलीसिया और उसके विश्वासियों के लिए. एंड रिकॉर्डेड इन 1 Corinthians 10:6-10. और पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 6वें वचन से लेकर 10वें वचन तक. वी हैव रेड वर्स 6. हमने 6वें वचन को पढ़ा है. एंड नाउ लेट अस रीड द रेस्ट ऑफ दैट. आइए 7वें वचन से लेकर 10वें वचन तक हम पढ़ें. Verses 6-10. Go ahead. ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे. जैसा लिखा है लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांप के द्वारा नष्ट किए गए और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए. इट इज नॉट डिफिकल्ट टू ट्रेस एंड फाइंड द वार्निंग्स. और ये कोई कठिनाई की बात नहीं कि यहाँ पर दी गई चेतावनियों को हम देखें और समझें. So what is Apostle Paul's great desire? और इसलिए पौलुस प्रेरित का एक बड़ी इच्छा क्या है? Great intention in writing this. और इस पत्री को लिखने या इस अध्याय को लिखने के पीछे उसका एक लक्ष्य क्या है? He wants the church to be freed from God's rejection. वो चाहता है कि कलीसिया परमेश्वर के द्वारा ठुकराई ना जाए. That we will not be rejected the way the Israelites were rejected. कि हमारा ठुकराव ना किया जाए जैसे इजरायलियों को ठुकराया गया. And some of these sins mentioned here. और इनमें से कुछ पाप जो यहाँ पर लिखे गए. If they continue among us. अगर वो सारे हमारे बीच निरंतर रहे. Then rejection will certainly come. तब वो तिरस्कार जरूर आएगा, ठुकराव जरूर आएगा. Our God is a God of grace. और याद रखिए हमारा परमेश्वर तो अनुग्रह का परमेश्वर. And he is a long suffering God. और वो एक लंबे समय तक अपने अनुग्रह को बनाए रखता है. And that means he is very
extremely patient. इसका मतलब यह है कि वो बहुतायत से अपने धीरज को अपने But there comes a point. लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा when that patience will not be there. तब जहां पर उसका धैर्य वहां खत्म हो जाएगा. And so we must always make sure. इसलिए हमें हमेशा इस बात को सुनिश्चित करना that we keep on checking ourselves and check our attitude. कि हम निरंतर अपने आप को और अपने स्वभाव को जांच करते रहें. So that we will be saved from the judgment of God. ताकि हम परमेश्वर के न्याय से बचा लिए जाएं. And what happens to Israel is a warning to us. और जो इज़राइल के साथ हुआ वो हम सब के लिए एक चेतावनी है. And we face great danger. और हम भी बड़े खतरों का सामना करते हैं. What happened to Israel then can happen to us now. और जो बातें इज़राइल के संग उस समय हुई वो हमारे संग भी हो सकती हैं. It is therefore very critical. और इसलिए ये बड़ा संवेदनशील बात है. For us to know. कि हमें इस बात को जानना है. I want you to know two things. मैं चाहता हूँ कि आप दो बातों को जानें. What caused the believers to be destroyed? कि किस बात ने इस बात का वो कौन सी बातें कारण बनी विश्वासियों के विनाश के लिए? Two, और दूसरी What kept them from entering into the promised land? कि कौन सी बातों ने उन इज़राइलियों को उस वाचा के देश में या वादे के देश में जाने से रोका? So let us consider what happened. और आइए हम देखें. The Israel of old have fallen into five kinds of sins. और जो इज़राइली लोग थे वो पांच प्रकार के पापों में फंस गए थे. That are mentioned in the passage we read. और जो वचन हमने पढ़ा उसमें हम इन बातों को देखते हैं. Number one, पहला पाप, the sin of lust. और वो व्यभिचार का या वो लालसा रखने का पाप. Now, what is lust? और ये लालच रखना क्या है? Craving after evil things. और बुरी बातों के प्रति लालच रखना. Cravings for things that are forbidden by our God. और ऐसी बातों के प्रति लालच रखना जो परमेश्वर के द्वारा मना की गई. Cravings after those things which God specifically mentioned you should not even touch them. और ऐसी बातों के प्रति लालसा रखना जिसके प्रति परमेश्वर ने कहा है कि इनको छूना भी मत. Now, this sin has to do with an attitude of desire. और इस पाप को बात करता है वो इच्छा के विषय में. So many desires will come to our mind. और बहुत सारी इच्छाएं हमारे मन में आएंगी. My brothers and sisters and boys and girls, listen to this. मेरे भाइयों और बहनों, जवानों, कृपया करके इस बात को सुनिए. All desires are not from God. याद रखिए, सारे इच्छाएं परमेश्वर की ओर से नहीं होती. And you know the Bible says. और आपको पता है, बाइबल बताता है. You fear God. अगर हम परमेश्वर का भय मानें. God will fulfill the desires of your heart. तब परमेश्वर आपके हृदय की इच्छाओं को पूरा करेगा. What are these desires? और ये इच्छाएं क्या हैं? These are God-given desires. और ये परमेश्वर के द्वारा दी गई इच्छाएं हैं. God's Spirit will put a desire in your heart. परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय में एक इच्छा को लाएगा. And these desires are for your benefit and blessings and not for your disadvantage. और ये इच्छाएं आपके लाभ के लिए और आपको हानि पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन आपके संग रहें. And these are the desires that God will fulfill. और ये वो इच्छाएं हैं जो परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा. And this sin of lust has to do with the attitude of desire, as I said. और ये जो लालच का पाप है, इसका लेना देना है ये मांग के या भूख की, ये जो एक स्वभाव हमारे भीतर है. So what is the warning? और इसलिए चेतावनी क्या है? The warning is we should not lust. चेतावनी ये है कि हमें लालच नहीं करना है. None of us. हम में से कोई भी. The moment that desire comes. जिस क्षण वो इच्छा हमारे भीतर आ जाए, we should know that the devil is attacking us. तब हमें ये समझना है कि शैतान हम पर अपना आक्रमण कर रहा है, trying to pull us down from the favor of the Lord. और ताकि वो हमें परमेश्वर के अनुग्रह से गिरा दे. So we should not lust. और इसलिए हमें लालच नहीं करना है. In the case of Israel, और इज़राइल के विषय में, they began to desire for the old diet of Egypt. वो पुराने अपने खाने की लालसाओं के प्रति लालच करने लगे, उस खाने के प्रति जो वो मिस्र में उन्हें मिलता था. At the same time, और उसी समय
Paul refers to the attraction of the idol feast in Corinth. पॉलुस उस बात की तुलना करता है वो मूर्तियों के सामने चढ़ाए हुए मांस के लिए मांस से जो कि कुरिन्थ के विश्वासी बड़े आजादी से खा रहे थे. That is very important for us to consider. और ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है जिसको हमें समझना है. Evil passions desire evil things. और याद रखिए बुरी इच्छाएं बुरी बातों को लाती हैं. They lusted. और उन्होंने लालच को रखा. And they craved. और वो लालच लालसा करते थे. For the delicious foods of Egypt. उस खाने को लेकर जो उन्हें मिस्र में मिलता था. If you want to know about this. और अगर आप इस विषय में जानना चाहते हैं. And remind yourself in detail. और अपने आप को बड़े आप गहरी रीति से खुद को याद दिलाना चाहते हैं. Please read Numbers chapter 4, Numbers chapter 11. Verse 4 onward. गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 4 वचन से आप पढ़िए. Take it down and then you can read it. कृपया करके लिख ले और जब आप अकेले हो तो इस अध्याय को जरूर पढ़िए. And what was the consequences? और उसका परिणाम क्या थे? As a consequences of the lust, a plague broke out. और उनके इस लालच और भोग विलास की लालसाओं के कारण एक महामारी उनके बीच आ गई. A plague broke out among the people and many died. और एक महामारी उनके बीच आ गई और उनमें से कईयों की मृत्यु हो गई. In fact, so many died. और यहां तक कि इतने मर गए. That the place became known as the grave of greediness. कि वो स्थान को कहने लगे उसके स्थान का नाम पड़ गया लालच का स्थान. Or a grave of lust. या लालच की कब्र या लालसा या भोग विलास रखने वाली स्थान या कब्र. That is Numbers chapter 11 verse 34. और वो है गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय 34वां वचन. It is a warning for us. और ये हमारे लिए चेतावनी है. So let us take to and look into this passage Numbers 11. आइए हम देखें गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय. Numbers 11 verse 4. 11वां अध्याय 4वां वचन. I'm sorry, 34. 34वां वचन. So he called the name of that place Kibroth Hattaavah because there they buried the people who had yielded to craving. और उस स्थान का नाम किब्रोत थावा पड़ा क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उन्हें वहां मिट्टी दी गई. It is a warning for us. और ये हमारे लिए चेतावनी है. And our God is not changed. और याद रखिए हमारा परमेश्वर बदला नहीं है. We must not set our hearts of evil things. इसलिए हमें अपने हृदय को बुरी बातों पर नहीं लगाना. And worldly pleasures. और सांसारिक जो इच्छाएं भोग विलास है उन पर. The gospel according to Saint Mark. और मरकुस रति सुसमाचार. Chapter 4. चौथा अध्याय. Verse 19. और 19वां वचन. And the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the desires for other things entering in choke the word, and it becomes unfruitful. और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है. And my friends, therefore, be careful, beware of the deceitfulness of riches. और इसलिए मेरे प्रियो इस धन समृद्धि का जो लालच है उससे आप बचे. And especially when money increases. और खास रीति से जब पैसा बढ़ने लगता. When you start getting some extra money. जब आपके पास कुछ ज्यादा पैसा आने लगता है. Then within you will rise up these lust, these desires for the worldly pleasures. तब आपके भीतर इन सांसारिक लालसाओं के प्रति वो लालच आएगा. And that will drive us into a different appetite.
और ये हमें एक दूसरे आयाम में एक दूसरे भोग विलास में ले जाएगा. सो माई फ्रेंड्स बीवेयर ऑफ द डिसीटफुलनेस. नाउ मनी इज नो इविल. और याद रखिए इसलिए मेरे प्रियो संसार के भोग विलासों से आप ध्यान पूर्वक बने. वी नीड मनी. और याद रखिए पैसा गलत नहीं है, हमें पैसे की आवश्यकता है और परमेश्वर इस बात को जानता है. बट व्हाट इज इविल इज द लव ऑफ मनी. वो पैसे का जो प्रेम है वो बुरा है. सी मनी इज नीडेड व्हिच गॉड गिव्स एंड व्हेन वी रिसीव दैट मनी वी स्पेंड फॉर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. देखिए पैसे की जरूरत तो ठीक है, आवश्यकता भी ठीक है और परमेश्वर देता है और हम उसको जीवन की जो आवश्यक बातें हैं उस पर व्यर्थ करते हैं. बट देन द डिजायर. लेकिन जो इच्छा. ओह आई हैव लॉट ऑफ मनी. अरे मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए. सो आई कैन अफोर्ड टू डू दिस. या मेरे पास बहुत पैसा है इसलिए मैं ये और ये कर सकता. गो टू दैट प्लेस. और उस स्थान पर जाऊंगा. Enjoy some और वहाँ पर पूरा आनंद भोग विलास उठाऊंगा. And I can afford that kind of food. और मैं उस प्रकार का खाना लूंगा. And the lust begins to have upper hand. और वो जो लालच है, भोग विलास की भावनाएं हैं, वो आपके जीवन पर नियंत्रण रखती हैं. Turn to Ephesians chapter 2. इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय. Verse 3. तीसरा वचन. इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे. Among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath. Just as the others. Here is the warning. और यहाँ पर इस चेतावनी को हम देखते हैं. My friends, bad attitude that leads to bad desires and which leads to spending our time and energy and money for things that will destroy us. और मेरे प्रियो इस बात को याद रखिए, ज़्यादा पैसा अगर हम बुरी बातों में, बुरी भोग विलास में, लालसाओं में लगाएंगे तो वो हमारा विनाश करेगा. 1 Thessalonians chapter 4. पहली तसलोनिको की पत्री चौथा अध्याय. Verses 4 and 5. और उसका चौथा और पांचवा वचन. That each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor, not in passion of lust. Like the Gentiles who do not know God. और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती. Then James chapter 1. उसके बाद याकूब उसका पहला अध्याय. Verse 15. और 15वां वचन. Then, when desire has conceived, it's conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, brings forth death. फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जानती है, और पाप जब बड़ा बढ़ जाता है, तो मृत्यु को उत्पन्न करता है. And then again, chapter 4, verse 2. और उसके बाद फिर से चौथा अध्याय. याकूब का चौथा अध्याय और दूसरा वचन. तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो. तुम डह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो. तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता कि नहीं मांग कि मांगते नहीं. यू लस्ट एंड डू नॉट हैव. यू मर्डर एंड कवेट एंड कैनॉट ऑब्टेन. यू फाइट एंड वॉर. Yet you do not have because you do not ask. I mean, that is why. Where does this lust leads us ultimately? और अंत में ये लालच हमें कहाँ ले जाता है? It leads us to death. और ये लालच हमें मृत्यु की ओर ले जाता है. Now Paul is not referring to that physical death. और याद रखिए पौलुस उस शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा. He is referring to spiritual death. वो तो आत्मिक मृत्यु की बात कर रहा है. Eternally separated from a loving, caring God to spend our eternity. और अनंत के लिए हम उस प्रेम करने वाले, चिंता करने वाले परमेश्वर से अलग कर जाएंगे. That's where all these things will lead. और यही सारी बातें हमें उसी पर
परिस्थिति में ले जाएंगे. So my brothers and sisters, इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, the history proves that this is absolutely true, the word of God. और इतिहास इस बात को साबित करता है, दिखाता है कि परमेश्वर का वचन सत्य है. This is the result of the sin of lust. और ये है उस लालच के पाप का परिणाम. And it ultimately gives birth to sin and then birth to death. और अंत में ये पाप को जन्म देता है और ये पाप अंत में मृत्यु को जन्म देता है. So take the warning. और इसलिए चेतावनी को लीजिए. And the first warning is protect yourself from getting from that attitude of having lust. और इसलिए पहली चेतावनी ये है कि आप उस लालच के स्वभाव को ना रखिए. And the second thing is, और जो दूसरी बात है, second sin, और जो दूसरा पाप है, the sin of idolatry, वो मूर्ति पूजा का पाप. Now while Moses was up on the mountain, और जबकि मूसा उस चोटी पर था, and he was receiving the law, और जब वो व्यवस्था को परमेश्वर से प्राप्त कर रहा था, the people were waiting for the word of the Lord, पर लोग परमेश्वर के वचन का नीचे इंतजार कर रहे थे, and they became very restless, और वो बड़े उनके भीतर बिल्कुल धैर्य ना बचा. And then they became very impatient. और वो धीरज ना रख पाए. And they decided to create their own form of worship. और उन्होंने इस बात का निर्णय किया कि वो अपने हाथों से एक मूर्ति को बनाएंगे, उसकी आराधना करेंगे. This you read in Exodus chapter 32 from verse 1. और इस बात को आप निर्गमन की पुस्तक 32वें अध्याय और पहले वचन से पढ़ते हैं. You see, God is never in a hurry. और याद रखिए, परमेश्वर कोई किसी जल्दबाजी में नहीं है. He does not do things. There is no fast thing with God. और याद रखिए, परमेश्वर के संग कोई तेजी से काम नहीं होते. Fast food, fast drink, fast this, fast that, everything fast. और जल्दी से मिलने वाला खाना, जल्दी से मिलने पीने वाला कोई ड्रिंक या जल्दी से हर एक बात जल्दी, ऐसा नहीं होता. And it should be noted here. और इस बात को ध्यान हमें लगाना है. That the people were actually dedicating their worship to God Himself. कि परमेश्वर की लोग अपनी आराधना को समर्पित कर रहे थे सिर्फ परमेश्वर के लिए. That is something that you must take note of. और ये एक ऐसी बात है जिसके प्रति आपको ध्यान रखना है. Not you think that is good. और आपको लगता है ये ठीक है. But what was wrong here? लेकिन यहाँ पर क्या गलत हुआ? Making an idol. या एक मूर्ति बनाना. And then telling the people this is your God. और फिर उसके बाद लोगों से ये कहना कि ये मूर्ति तुम्हारा परमेश्वर है. Who brought you out of Egypt? जो आपको मिस्र से बाहर निकाल के लाया. That is an outrageous thing that the people did. और ये एक ऐसी बहुत घृणामय बात है जो लोगों ने की. The point is this. और बात सवाल तो ये उठता है. The image of the golden calf was only to help them to picture and imagine God. और वो जो सुनहरे बछड़े का या स्वर्ण के बछड़े का जो मूर्ति उन्होंने बनाया, वो तो सिर्फ इसलिए था ताकि वो परमेश्वर का जो दृश्य था अपने मनों में याद कर सकें. And they felt the need for an image to help them in their worship of Jehovah. और उन्हें ये महसूस हुआ, ये आवश्यकता लगी कि एक मूर्ति का उनके सम्मुख होना जरूरी है ताकि वो परमेश्वर का आराधना कर सके. Okay, they did it. और उन्होंने ऐसा किया. What was the result? उसका परिणाम क्या हुआ? That worship was accompanied by eating. और उस आराधना के संग उनका खाना पीना भी जुड़ा था. Drinking and revelry. और पीना और आपस में लड़ना. Revelry means immoral play. और इसका मतलब है कि अनैतिकता के संग अनैतिक बातें वहां कर रहे थे. Idolatry is worship of a self-made god. और मूर्ति पूजा है कि खुद से बनाए गए ईश्वर की आराधना करना. Created by a person's own mind. जिसे खुद एक मनुष्य ने अपने मन के अनुसार बनाया हो. And this was the danger. और यही खतरा था. This was the danger the Corinthian believers faced. और यही वो खतरा था जिसका सामना ये कुरिन्थ के विश्वासी कर रहे थे. And that's why Paul is dealing. और इसीलिए पौलुस इन बातों को लेकर बात कर रहा है. If they participated in the social functions of an unbelievers. और अगर वो गैर विश्वासियों के सामाजिक उत्साहों में या उनके पर्वों में सहभागिता करें. They might fall into sin. तब वो भी पाप में गिर सकते हैं. Whether the function was held in the temple. भले ही वो
जो कार्यक्रम है या उत्साह है या पर्व है मंदिर के आंगन में और इनसाइड द हाउस या किसी के घर के भीतर Inside a house of an unbeliever, या किसी अविश्वासी गैर विश्वासी के घर के भीतर the likelihood was that they would slip into the same idolatrous behavior of the unbelievers. उसका खतरा ये था कि वे विश्वासी भी उन्हीं गैर विश्वासियों के तरह उस व्यभिचारी स्वभाव में लालची स्वभाव में गिर जाएंगे. That is the danger. और यही खतरा था. That is the warning. और यही चेतावनी है. What does the Bible say? बाइबल क्या कहता है? God's explicit command is और परमेश्वर का स्पष्ट रीति से दिया गया आज्ञा ये है thou shalt not make any kind of image of तू अपने लिए किसी भी रीति से किसी मूर्ति को ना बनाना या उसकी आराधना करना. So let us close today's study by reading these verses. और आज के अपने अध्ययन को हम समाप्त करेंगे कुछ वचनों को पढ़ने के द्वारा. First John पहला यूहन्ना Chapter 5, verse 21. पांचवा अध्याय 21वां वचन. Here it says, "Little children, keep yourselves from idols." हे बालको अपने आप को मूर्तियों से बचाओ रखो. And again, Deuteronomy chapter 11. और उसके बाद व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय. Chapter 11, verse 16. और उसका 16वां वचन. इसलिए अपने विषय में सावधान रहो ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाएं और तुम बहक कर दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने लगो और उन्हें को दंडवत करने लगो. Take heed to yourselves lest your heart be deceived and you turn aside and serve other gods and worship them. And again Isaiah chapter 42. और यशया नबी की पुस्तक उसका 42वां अध्याय Verse 8. आठवां वचन. मैं यहोवा हूँ मेरा नाम यही है अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तियों को ना दूंगा. 42 verse 8 says, I am the Lord, that is my name, and my glory I will not give to another, nor my praise to carved images. Amen. This is The command of the Lord. और ये परमेश्वर की आज्ञा है. The word of the Lord. परमेश्वर का वचन. And so we have considered two of those five sins. और इन पांच पापों में से दो के विषय में हमने अध्ययन किया है. The other three we shall consider next. और जो अगले तीन पाप हैं वो हम हमारे अगले अध्ययन में हम सीखेंगे. But take heart, my brothers and sisters and young people. और लेकिन मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, बहनों और जवानों इस बात को अपने हृदय में जड़ पकड़ने दें. Watch out. ध्यान रखें. We have examples and warnings. हमारे पास उदाहरण और चेतावनियां मौजूद हैं. And we also have the consequences of a bad attitude leading to disobedience and leading to death. और हमारे पास वो परिणाम भी हैं कि कैसे एक बुरा स्वभाव, एक बुरी बात, गलत बातों की ओर so ले जाता cause है. Our own destruction. और इसीलिए हम अपना विनाश खुद लेकर के आते हैं. Now you must know that God will not send anybody into hell. और इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर किसी को नर्क नहीं भेजेगा. Some people have an idea God is like an old man with a long beard, long hair and all sitting up and just sitting there condemning and judging. कुछ लोगों का विचार ऐसा होता है कि परमेश्वर एक बूढ़ा बूढ़े के समान है जो लंबी दाढ़ी, लंबे हाथों को लेकर कहीं दूर आपसे बैठा है. That is not the picture of God. लेकिन ये परमेश्वर का कोई दृश्य नहीं है. He is a loving God. वो प्रेम करने वाला परमेश्वर. He is a wonderful, loving, compassionate Father. वो एक अद्भुत दया का से भरा और अनुग्रह से भरा परमेश्वर. He desires only good thing. और वो सिर्फ भली बातों की इच्छा रखता है. For his people. अपने लोगों के लिए. But his people. लेकिन उसके लोग. They have a choice to make. उनके पास एक चुनाव है जो उन्हें करना है. What will you choose? लेकिन आप क्या चुनेंगे? You choose heaven or hell. क्या आप स्वर्ग चुनेंगे या आप नर्क चुनेंगे? That is up to you. ये आपके ऊपर है. God will not choose for you. परमेश्वर आपके लिए नहीं चुनेगा. He has given you the freedom and the power to choose. क्योंकि उसने आपको वो आजादी और शक्ति दिया है चुनने की. He also gives us warning, gives us enough warning what will take us into hell. और वो हमें उन सारी चेतावनियों को देता है कि कौन सी बातें हमें नर्क की ओर ले जाएं. What are the things that will defile us and make us unclean and then
at the end in hell. कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें अशुद्ध करेंगी और अंत में उस नर की ओर ले जाएंगी? But he has given us help. लेकिन उसने हमें सहायता दी है. He is gracious. और वो दया का अनुग्रह. He has given us his Holy Spirit. और वो अपने पवित्र आत्मा को His Holy Spirit empowers us. और उसका पवित्र आत्मा हमें सशक्त बनाता है. He has given us his grace. उसने अपना अनुग्रह हमें दिया. The grace to say no to all ungodliness. और उसने वो अनुग्रह दिया है कि हम सारी अभक्ति की बातें को ना करें. So wise is the one who takes the warning. और इसलिए ज्ञानी है वो जो इन चेतावनियों को लेता है. And avoid the sins that they have committed. और इन सारे पापों से बचकर रहता है जो इस्राएलियों ने. These five sins that are recorded in this chapter. और ये वो पांच पाप जो इस अध्याय में लिखे गए हैं. As you live your life the rest of this week. और जैसे कि आप अपने जीवन को इस हफ्ते में जीते हैं. May the Lord continue to give you insight and help you, and his grace is sufficient. You shall be victorious. निरंतर आपकी सहायता करे और आप जयवंत ठहरे. Blessed Holy Spirit. धन्य पवित्र आत्मा. We need you. हमें तेरा आवश्यकता है. We need because we with our own power and strength, using our own wisdom, will not be able to live according to your will. क्योंकि हम अपने शक्ति अपने सामर्थ्य से इस तरीके अनुसार नहीं जी सकते. We need the Holy Spirit. हमें तेरा पवित्र आत्मा चाहिए. To enable us. ताकि हमारी सहायता करे. To discern what is clean and unclean. ताकि हम जांचे और पहचाने कि क्या अशुद्ध है और क्या शुद्ध है. What is approved of God and what is not approved of God. कौन सी बातें तेरी ओर से और कौन सी बातें तेरी ओर से नहीं. May we choose the right thing. होने दे हम सही बातों का चुनाव करें. And keep our attitude right and godly. और हम अपने स्वभाव को सही और भक्तिपूर्ण बनाए रखें. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you, my brothers and sisters. मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष. Live according to God's will. परमेश्वर की इच्छा अनुसार जिए. And enjoy the prosperity that God promised. और उस समृद्धि का आप आनंद उठाएं जिसका वादा परमेश्वर ने किया है. Amen. Amen.